नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जिक्र सबसे पहले मुंगेली का, जहां पर जल जीवन मिशन में गड़बड़ी देखने को मिली है। टंकी निर्माण कार्य में गड़बड़ी का यह मामला सामने आया। लोरबी के देवरहट गांव में घटिया निर्माण की शिकायत मिली। डिप्टी सीएम अरुण साव ने गुणवत्ता विहीन पानी टंकी को तोड़ने के निर्देश भी दिए। पीएचई विभाग के अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें, घटिया निर्माण को तोड़ मानक तरीके से निर्माण करने के निर्देश डेप्यूटी सीएम द्वारा दिए गए हैं। मुंगेली का हम जिक्र कर रहे हैं, टंकी निर्माण कार्य में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। गुणवत्ताहीन काम यहां पर हुआ था और इसी पर अब संज्ञान लिया गया है और डेप्यूटी सीएम ने निर्देश भी जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, घटिया निर्माण पर डेप्यूटी सीएम ने संज्ञान लिया और निर्देश भी दिए अच्छे से काम होने के, ज्यादा जानकारी। जी, मैं बता दूं कि डिप्टी सीएम और पीएचई मंत्री अरुण साव लोरमी इलाके के दौरे पर थे। इस दौरान देवरहट गांव के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि जो जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण हो रहा है वो निर्माण काफी घटिया है। इसके बाद स्वयं डिप्टी सीएम अरुण साव पानी टंकी के अवलोकन के लिए गए और वहाँ के बाद आज निर्देश जारी किया कि जो घटिया निर्माण हो रहा है उसे तत्काल तोड़ा जाए। इसके साथ ही जो मानक तरीके से निर्माण कार्य होना है और जो उचित निर्माण कार्य होना है वो निर्माण कार्य किया जाए और जो भी लापरवाह जो ठेकेदार हैं या इंजीनियर हैं या जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात डिप्टी सीएम ने कही है। जी, वाकई इसे हम मान सकते हैं प्रशांत की ये संवेदनशीलता पूरी तरह से सरकार की ओर से दिखाई जा रही है कि छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखी जा रही है कि आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रशांत जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत तो पूरे जिले में कार्य चल रहे हैं और लगातार शिकायत इन कार्यों की मिल रही है, क्योंकि कहीं भी जो निर्माण कार्य है वो मानक तरीके से नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जल जीवन मिशन सभी घरों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए है और ऐसे में आवश्यक सुविधाओं के इस कार्य में इस तरह लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने कड़ा रुख अपनाया है और इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। और अब जिक्र अंबिकापुर का। यहां पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के करीबियों पर गाज गिर सकती है। आयकर विभाग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र भेजा है और पूर्व मंत्री के करीबियों को संपत्ति का ब्यौरा भी उनका मांगा गया है। आयकर विभाग ने 5 साल की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों अमरजीत भगत की यहां छापा पड़ा था, जिसके बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है। खबर कवर्धा से, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। युवक की मौत के मामले में पुलिस ने उसके बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। आज के कलयुगी दौर में भाई ने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और यह सब हुआ सिर्फ जमीन को लेकर। जानकारी के अनुसार शराब के नशे में दोनों भाई के बीच विवाद हुआ, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर उसे मार डाला। बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां सीतापुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 4 ATM कार्ड सहित 2,94,000 रुपए भी जब्त किए हैं। आरोपी ने क्रेडिट कार्ड बंद कराने का झांसा देकर ठगी की थी। पहले आरोपी ने ऐप डाउनलोड करवाया, फिर पीड़ित के खाते से 3,19,000 रुपए निकाल लिए। आरोपी सोनू मंडल को झारखंड के दुमका से गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड आमाटोली का बताया जा रहा है। बात करते हैं रायगढ़ की, जहां शहर में सक्रिय बाइक चोरों को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। बता दें कि नए एसपी की नियुक्ति के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्शन में है। बाइक चोर गिरोह के आतंक से रहवासी परेशान थे लगातार और मामले में 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया। चोरी की 14 बाइक भी जब्त की गई है, जिनकी कीमत लगभग 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। डिटेल में पूछताछ करने पर इन्होंने अभी तक 14 बाइक को चोरी करना स्वीकार किया। 14 बाइक बरामद कर ली गई है। मामले में आगे विवेचना जारी है।
आगे और भी बाइक या और अन्य प्रकार की चोरी का इसमें संभावना है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील में धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला उजागर होने और प्रभारी तहसीलदार के निलंबन के बाद पटवारी संघ लामबंद हो गए हैं। पटवारियों ने कलम बंद हड़ताल कर दी। आपको ये भी बता दें कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में जांच के बाद 12 पटवारी, 6 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और 6 खरीदी प्रभारी, 6 कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 3 प्रबंधकों को दोषी पाया गया और जांच अधिकारियों ने इन सभी कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा की है। वहीं जांच टीम की अनुशंसा सामने आने के बाद पटवारी अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। में है ये चीज बोला गया है, इसमें तहसील मॉड्यूल से ही हो सकता है, अन्यथा और दूसरे हमारे पटवारी आईडी से तो हो ही नहीं सकता। ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से हो रहा है, तहसीलदार को बचाने के चलते। आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम पूरी तरह से, अगर कार्रवाई अगर होती है तो फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे और शासन प्रशासन को बताएंगे। मॉड्यूल जो होता है सहकारी समिति से संबंधित, उस मॉड्यूल के द्वारा ही यह व्यवस्था दी गई है कि किसी एक किसान पर, अगर एक किसान का किसी अन्य गांव में ज़मीन है तो उसके ज़मीन को किसी एक ही जगह पंजीकृत किसान के पास जोड़ दिया जाता है। और यह सुविधा किसानों के भले के लिए दी गई थी, पर इसका दुरुपयोग करते हुए यहाँ तहसील कार्यालय के द्वारा कई लोगों का खसरा कई अनाधिकृत रूप से दूसरे लोगों में जोड़कर और वैसे रकबे में अनाधिकृत रूप से वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्राथमिक लघु वन उपज प्रबंधक संघ के द्वारा अपनी मांगों को स्वीकृत करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरबा में संघ से संबंधित 38 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। नियमितीकरण सहित उनकी कई मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार की जानकारी में उनकी सभी मांगे पहले से हैं, इसीलिए इस तरफ अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए। जो नियुक्ति होत है तिमन के साल भर के रही से तिकर बाद में हाओ परीक्षा अवधि पूरा लागू नहीं करे। और तीसरा मांग है हमन के कि जो वेतन है तेहर हमारे पर्सनल खाता में आना। कांकेर जिले के नरहरपुर में 2014 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई खोला गया था, लेकिन असुविधा के कारण यहां के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। छात्रों को यहां प्रैक्टिकल नहीं करवाए जा रहे, इससे छात्र छात्राओं में नाराजगी है। शिकायत लेकर विद्यार्थी कलेक्टर से मिलने पहुंचे। आईटीआई कर रहे हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामग्री नहीं है। जैसे कि मैं कोपा से हूं सर, तो हमारे पास 10 सिस्टम है और हम लोग बच्चे हैं 44, तो और बैठने के लिए भी चेयर उपलब्ध नहीं है सर, है लेकिन बहुत ही कम। जैसे कि हम लोग ग्रुपिंग में बैठते हैं, सिस्टम कम होने की वजह से 4-5 की ग्रुपिंग में बैठते हैं, तो उसमें जो सिस्टम यूज़ कर रहा है सर वो बस चेयर में बैठ सकती है या सकता है, और बाकी लोग खड़े होकर ही सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। 4 महीना हो गया हम लोग आईटीआई कर रहे हैं, सीखने के लिए कुछ भी नहीं है सर। हम लोग कोपर ट्रेड से हैं तो हमारे पास तो कुछ सामग्री है भी, थोड़ा थोड़ा से भी थोड़ा है सर, और बाकी ट्रेड्स के लिए उतना भी नहीं है। और सर मुख्य परेशानी हम लोग को प्रिंसिपल से है, जो कि महीने महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ही आते हैं, और हम लोग हमारी परेशानी को प्रिंसिपल के पास जाकर बोले तो वो बोले चलो हो जाएगा व्यवस्था ऐसा करके, तो अभी तक वो सामग्री हम लोग के पास नहीं आया है। जैसे प्रैक्टिकल सामान की सुविधा नहीं है वहाँ पे, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बिना प्रैक्टिकल के हमें कुछ समझ नहीं आता है, पढ़े हुए को भी भूल सकते हैं हम। अगर प्रैक्टिकल किए रहेंगे तो हमें कुछ लंबे समय तक याद भी रहेगा, अगर करे रहेंगे तो हम अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल समान न होने के कारण हमें ये सब पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। बालोद का जिक्र करते हैं, खड़ी ट्रक में अचानक से आग लग गई। कैबिन में खाना बनाने के दौरान यह आग लगना बताई जा रही है, और आग लगने से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दल्ली राजहरा थाना के कुसुम कसा गांव की ये घटना है। तस्वीर आपके सामने, तस्वीरों को देख करके, आग की लपटों को देख करके समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। गनीमत ये रही कि समय रहते ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, जान जा सकती थी। ये तस्वीर आपके सामने, किस तरह से धू धू कर
खड़ी ट्रक जल गई। खाना बनाने के दौरान कैबिन में ये आग लगी, देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल बस्तर फाइटर का संयुक्त बल सर्च अभियान पर रवाना हुआ था। वापसी के दौरान घोर नक्सल प्रभावित लोहा गांव में गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, साथ ही गांव भी अस्पताल से दूर था। ऐसे में जवानों ने महिला आरक्षकों द्वारा तत्काल सहायता पहुंचाते हुए डोली का निर्माण करके गर्भवती महिला को कंधे पर उठाया, पैदल चलकर अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए भर्ती कराया। जांजगीर चांपा का जिक्र करते हैं, कल से 3 दिवसीय लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस 25वें देव लोक कला और एग्रीटेक कृषि मेला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के कई मंत्री शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक उन्नत कृषि तकनीक के विषय में किसानों को जानकारी देंगे। दिनांक 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी 3 दिवस का जाजल देव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और साथ ही एग्रीटेक कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आने वाले जनता और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, और इसमें पार्किंग के लिए केरा रोड और नवागढ़ की ओर से आने वाले, साथ में पामगढ़ शिवरी नारायण की ओर से आने वाले जनता के लिए चर्च के बगल में जो ग्राउंड है केरा रोड में, उसको पार्किंग बनाई गई है। जले देव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला को बड़े ही धूमधाम से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारी हम जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसके 101 जोड़ों की शादी भी हम इसी स्थल पर कराएंगे। उसके बाद सभी विभागीय स्टॉल अपनी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, और उनका हितग्राहियों का मुख्य जो अतिथि रहेंगे उनके साथ संवाद रहेगा। साथ ही साथ में जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो भी हमने 3 दिन के लिए प्लान कर लिए हैं। जांजगीर चांपा के जाजल्य देव लोक महोत्सव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 101 करोड़ की शादी कराई जाएगी। वर वधु एक ही मंडप के नीचे दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज से होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल ने बताया कि जांजगीर चांपा जिला के 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इसमें 21,000 प्रति जोड़ा प्रोत्साहन राशि और अलमारी कूलर पचहर सामग्री दुल्हा दुल्हन जोड़ी को महिला बाल विकास विभाग की तरफ से दिया जाएगा। 101 जोड़ी का विवाह करवाया जाएगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत। इसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के का 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे यहाँ पे इस कार्यक्रम में, और पहले हमारे यहाँ ही आएंगे ऐसी सूचना मिली है जिला प्रशासन से। बैंड बाजा से उनको लाया जाएगा और फिर वो जोड़ों से मिलेंगे, उपहार सामग्री देंगे, उसके पश्चात इधर। दंतेवाड़ा में आम बजट को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने बजट को चमत्कारिक बजट बताया और कहा कि इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है आम लोगों ने। यह बजट छत्तीसगढ़ के लिए एक चमत्कारिक बजट है। इसमें इसे हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री सम्माननीय ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो लगभग 1,47,000 करोड़ का है। बिना किसी कर लगाए, किसी वस्तु पे कर लगाए इतना बड़ा बजट पेश करना वास्तव में एक चमत्कारिक है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में पूरे प्रदेश को इसमें लिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के मील का पत्थर साबित होगा। इस वर्ष का बजट छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बजट है, क्योंकि इस बजट से ना केवल किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी दृष्टिकोण से यह बजट कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उचित और लाभदायक है, और यह इस बजट से आने वाला छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, ऐसा हम लोगों का सबका शुभकामना है। विष्णु राज में पहला जो बजट पेश किए हैं 1,47,500 करोड़, जिसमें समस्त वर्ग आ रहे हैं,
किसान से लेके, युवा वर्ग से लेके, बेरोजगारों से लेके, जितने माताएं बहनें हैं उन सबके हित में ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया गया है बहुत ही अच्छा बजट है और ऐसा बजट शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो वहीं दुर्ग में भी प्रदेश सरकार के बजट को लेकर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। यहां लोगों ने बजट को हर क्षेत्र के लिए फायदेमंद बताया। महिलाओं ने अच्छे बजट के लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दिया। देखिए, सबसे पहले तो हम सब भिलाई वासियों के लिए एवं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये आज का दिन हमारे आने वाले 5 साल तय करेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमने जो जो चुनाव के समय पे लोगों को जागरूक किया था, जिन योजनाओं के बारे में जागरूक किया था, आज वो सारी साकार होते हुए दिख रही है। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। श्रीमान ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सादर धन्यवाद, और विष्णुदेव साय जी का सादर धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा संतुलित बजट दिया। खासकर भिलाई, दुर्ग, नांदगांव का ध्यान रखते हुए SCR जो डेवलप करने की योजना है, IT हब लाने की योजना है, इससे हमारे प्रदेश का युवा हमारे प्रदेश में रहकर कमाएगा और राज्य की ग्रोथ होगी। आज ओपी चौधरी जी ने बहुत ही वंडरफुल तरीके से जो प्रेजेंट किया, दैट इज द पेपरलेस बजट। और आइए अब देखेंगे खबरों का।